नमस्कार, आप देख रहे हैं नव भारत टुडे और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की फटाफट खबरों के साथ। हमास के ठिकानों में घुसकर इजराइल ने 250 लोगों को छुड़ाया, 60 आतंकी किए ढेर। गाजा पर इजराइल के हमले नहीं रुके तो हिंसा पश्चिम एशिया में फैल सकती है, ईरान के विदेश मंत्री की चेतावनी। अल्लाहू अकबर पर लगाया नारा, फिर शिक्षक की चाकू मारकर कर दी हत्या, आतंकवादी हमले का संदेह। आप नेता संजय सिंह की न्यायिक हिरासत 27 अक्टूबर तक बढ़ी, दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस में ईडी ने किया था अरेस्ट। इजराइल हाम्स वार, चीन में इजराइल के राजनीतिक पर चाकू से जानलेवा हमला, गंभीर हालत में। न्यूज क्लिक के फाउंडर और एचआर हेड की गिरफ्तारी के खिलाफ वाली याचिका खारिज, चीन से फंडिंग का आरोप। श्रीनगर कुपवाड़ा के बीच नेशनल हाईवे पर आतंकी हमला टला, झाड़ियों के बीच 3 एलपीजी सिलेंडर में लगा आईईडी बम बरामद, सेना और पुलिस ने नष्ट किया। बेंगलुरु के एक घर में 42 करोड़ रुपए कैश मिले, 22 बॉक्स में भरकर बेड के नीचे रखे थे, बीआरएस बोली ये कांग्रेस का पैसा। चाकू मारकर युवक की बेरहमी से हत्या, दिल्ली में दर्दनाक वारदात, 4 आरोपी गिरफ्तार। पीएम मोदी आज मुंबई में 141वें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक सत्र का करेंगे उद्घाटन। वर्ल्ड कप 2023 भारतीय क्रिकेट टीम की सिक्योरिटी 4 गुना बढ़ाई गई, खालिस्तानी आतंकियों ने दी है धमकी। ऑपरेशन अजय की दूसरी फ्लाइट इसराइल से भारत के लिए रवाना, विमान में 235 लोग सवार। आज अहमदाबाद में भारत पाकिस्तान का मैच, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में एनएसजी की हिट टीम तैनात, संवेदनशील इलाकों में भी पुलिस का पहरा। CWC 23, न्यूजीलैंड बना टेबल टॉपर, बांग्लादेश से तीसरा मुकाबला 8 विकेट से जीता। आज की फटाफट खबरों में बस इतना ही, देखते रहिए नव भारत टुडे। नमस्कार।